परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में दुर्ग में शनिवार को गौड़ ब्राह्मण समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा का जगह जगह सर्वधर्म समाज द्वारा स्वागत भी किया गया। परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में दुर्ग के अग्रसेन चौक से गौड़ ब्राह्मण समाज ने परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में उड़ीसा कांटा भांजी से आए ढोल ताशा ग्रुप व छत्तीसगढ़ी नृत्य की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र बनी रही। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा अग्रसेन चौक से प्रारंभ होकर शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होती हुई गुजरी, जिसमें गौड़ ब्राह्मण समाज की महिलाएं व पुरुष बड़ी संख्या में शामिल रहे, जिन्होंने डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए भगवान परशुराम के अवतरण दिवस की खुशियां मनाई। गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा निकाली गई इस शोभा यात्रा में प्रमुख रूप से शहर विधायक अरुण वोरा, निगम महापौर धीरज बाकलीवाल व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे विशेष रूप से शामिल हुए, जिन्होंने गौड़ ब्राह्मण समाज को भगवान परशुराम के अवतरण दिवस की शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि दुर्ग शहर के इतिहास में ये पहला अवसर था जब गौड़ ब्राह्मण समाज ने भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली। यही वजह रही कि भगवान परशुराम की शोभा यात्रा का सर्वधर्म समाज के लोगों ने जगह जगह भव्य स्वागत किया, जिसमें पुलसायपारा चौक पर सर्वधर्म संभाव का परिचय देते हुए मुस्लिम समाज के अब्दुल गनी द्वारा जवाहर चौक स्थित मस्जिद के पास व शनिचरी बाजार दुर्ग में मुस्लिम समाज के जाकिर सिद्दीकी, अजहर जमील, रजा खोकर, अहमद चौहान, अंसार जरीन सहित समाज के सैकड़ों युवाओं ने भगवान परशुराम की शोभा यात्रा का स्वागत सम्मान किया और शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शामिल ब्राह्मण समाज के लोगों को शीतल पेयजल पिलाकर उनका स्वागत सम्मान भी मुस्लिम समाज के द्वारा किया गया और अनेकता में एकता की मिसाल यहां पर पेश की गई। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया शामिल लोगों ने दी। अवसर है आज मुस्लिम समाज के द्वारा स्वर्ग परशुराम जयंती के अवसर पर और शरबत छबील वगैरह पानी पाउच ये सब बांटा गया और हमें बहुत खुशी हुई इस बात की कि आज शहर में पहली बार परशुराम जयंती की रैली निकली और सभी लोगों ने मिलकर, सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर उसको बड़े उत्साह से मनाया। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे सारे लोगों का और जो जिन्होंने जयंती निकाली उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी इसी तरह के शहर में कार्य होते रहे और शहर में अमन और शांति रहे, यही कामना करता हूँ। तरफ से भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली गई थी, जो कि हमारे शहर में पहली बार ये यात्रा का प्रारंभ किया गया है और हम लोग गौरवान्वित हैं हमारे सब भाइयों के इस रैली पे उपस्थित होने पर और हमारे समाज की तरफ से भी हमने इनका इस्तकबाल किया है, स्वागत किया है और ये परंपरा हमारे शहर की जो है सर्वधर्म की भावना जो हमारे यहाँ है उसका हम पालन करते आ रहे हैं और पालन करते रहेंगे। सभी धर्म का हम सम्मान करते हैं और इसलिए हमारे शहर जो है वो सर्वधर्म के माध्यम से हमारा शहर शांति से रहता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।